आज हम जैसे कि जा रहे हैं पतंगों का मार्केट हांडीपुरा, आओ फिर आपको दिखाते हैं पतंगों का मार्केट हांडीपुरा कहाँ पे है और कैसा है, कितनी अच्छी पतंगे मिलती है, कितना अच्छा मंजर मिलता है, सारे सपोर्ट करना, आओ दिखाते हैं। तो फिर जैसे कि आज हम आए हांडीपुरा, पतंग बनाने का मेन मार्केट है हांडीपुरा। जयपुर में सिर्फ हांडीपुरा में पतंगें मिलती है, और ये अपने भाई है जो इनका पतंगों का काम है। हाँ जी, आपका नाम? और आपकी दुकान का नाम? कौन सी जगह पे ये बताओ? हांडीपुरा पतंग मार्केट। अच्छा, और बाजार रेट से आपकी दुकान से अगर पतंग लेंगे तो कितने सस्ती पड़ेगी? सर मार्केट रेट ही मिलता है नॉर्मल, फिर भी कितना? जैसे नॉर्मल 2 रुपए से स्टार्ट होता है पतंग का रेट। अच्छा, और मंजा? मंजा भी अलग अलग वेरायटी होगा, तो चाइनीज मंजा नहीं बेचे, बस यही दे लोगों को चाइनीज ये तो नहीं बेचे, बेचे ना ही किसी को बेचने की सलाह दें, क्योंकि चाइनीज मंजा है नुकसान दे, उसका जो धातु से बना हुआ होता है एक तरीके से कांच का जो धातु होता है उससे, उसमें अपना ही नुकसान है। अपन अपनी फैमिली को रख के देखें साथ में, अपने किसी फैमिली मेंबर के ऊपर आ जाता है तो दिक्कत होती है, नुकसान होता ही है। हाँ, पक्षियों को भी दिक्कत होती है, पक्षियों को भी दिक्कत होती है, जो सदा बाहर रेगुलर चल रहा है ना नॉर्मल धागा, उसी से पतंग उड़ा है वो सही रहता है, क्योंकि हमारे जो पूर्वजों ने चालू किया था ना काम, तो किसी पुराने जो किसी चीज को सोच के ही शुरू किया होगा कि सदा बाहर चीज रहेगी, किसी को नुकसान नहीं होगा। लेकिन आजकल 2 पैसे के लालच के चक्कर में चाइनीज मांजा उतर चुका है मार्केट में, उसमें इंसानों को भी लॉस है, पक्षियों को भी लॉस है, और बहुत सारा अलग अलग प्रोसेस है, बहुत सारे लॉस है, उससे फायदा कम है मानी, तो इसलिए चाइनीज मांजा नहीं बेचे ना ही किसी को खरीदने दे। आपकी दुकान में थोड़ी चाइनीज मांजा? नहीं, अपन नहीं बेचते, अपन तो सख्त खिलाफ है चाइनीज मांजे के। ये हमारे जतिन अरोड़ा सद्दा चढ़वाते हुए। कर रहे हो आप काम? 45 साल। कितने साल हो गए? 45 साल से। और 45 सालों से पतंगे बना रहे हो आप? तो वो यार कहाँ से लाते हो? बरेली से आता है ये सब। बरेली से? हाँ। मांजा बड़ा बढ़िया है, मतलब ऐसा लग रहा था भी हाथ कटेगा, उठाया मैंने। नहीं नहीं, इसे थोड़ी नहीं। काफी तेज मांजा, बट अच्छा है मांजा, मतलब सारे ही ये बरेली से आते हैं। ये बहुत बढ़िया है, बचपन में तो हम बोलते थे यार मैं लाल कलर वाला लूंगा, मैं नीले कलर वाला लूंगा। जैसा होता है मतलब जितना सूखेगा उतना अच्छा होगा।
बढ़िया है, सच में मजा आ गया देख के। वैसा यहीं से लेना है मजा, लेटर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, पतंगे मजा यहीं से लेना है, लिख लो वीडियो आर्टिकल। ठीक है, अब आपको आना है और आके यहाँ से लेना है मजा, पतंगे सब बढ़िया है यार। लालटेन का क्या यार, डोले डोले है तो आओ और लो। ठीक है, बाकी चैनल सब्सक्राइब करो, पतंगे उड़ाते रहो। और चाइनीज मांझा भैया ने जैसे मना किया, चाइनीज मांझा यूज नहीं करना है, उससे आपको भी नुकसान है और आपके परिवार वालों को भी। ठीक है, एंजॉय करो फेस्टिवल की तरह, चाइनीज मांझा यूज करो। पकड़ पकड़, ए यार छोड़ दी। हाँ तो भाई साहब, जैसी वीडियो लगी हो, मतलब वैसे तो अच्छी लगी होगी, नहीं लगी तो कोई बात नहीं, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, वो लाल वाला बटन है ना उसको दबा देना, दूसरे मार के लाते मार के जैसे भी काटे वो काटे कर देना, दबा देना और बेल आइकन दबा देना और सपोर्ट कर देना। थैंक यू सो मच। और हाँ, चाइनीज मांझा यूज मत करना, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जानबूझ के, इसीलिए चाइनीज मांझा यूज मत करना। थैंक यू सो मच। लूट ली क्या? ए यार।